सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला को प्रणाम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, तो हम भी ठीक हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे 12:30 बजे से, और अभी मैं ही हूँ अपने ऊपर वाले कमरे में। मुझे सुई धागा ढूंढना था। तो गाइस इतनी यार गर्मी है, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो गया। लास्ट जब भी मैं आती हूँ ना, इतनी गर्मी पता नहीं क्यों ही होती है। लास्ट ईयर भी हुई थी, लेकिन लास्ट ईयर थोड़ी बहुत बारिश तब भी हुई थी। इस बार तो हमने बारिश का नाम ही नहीं देख रखा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कितना ठंडा हो रहा है आपके यहाँ पे। जिस काम के लिए आई थी वो तो मुझे मिला नहीं, यानी कि जो सुई और धागा था, मरून कलर का धागा, मुझे मिला नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और उन्होंने सो भी नहीं रही। मम्मी उसको ना वॉकर में घुमाने में लगी है तब से। पपीते का पौधा गमले में, पेड़ पेड़ ही हुआ ना। हाँ, इसको ना अंदर रखने से भी अच्छा होता है, धूप में थोड़ा थोड़ा सूख जाता है। देखो धूप से इसकी जो पत्तियाँ थी ना वो सूखने लगी हैं, ऐसी हो गई है। आज जो है ना, मुझे मिले हैं अपने बहुत साल पुराने ब्लाउज, यानी कि 2018-19 के ब्लाउज मिल रखे हैं, जो कि समझ ही सकते हैं आप कितने बड़े होंगे। छोटे से ब्लाउज तो इनमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है, इतना सारा। तो मैं इनको खोलने वाली हूँ, क्या पता मुझे आ जाए। और ये तो मेरी शादी का है, पता है, ये मेरी शादी में मम्मी ने मेले बनाई थी। इतू सा ब्लाउज, हाय राम, मैं 38 किलो की थी उस टाइम पे। ये इतू सा ब्लाउज है, तो देखती हूँ कुछ जुगाड़ करती हूँ। अब ये है। और ये रहा हमारा शाम का मौसम, मस्त मस्त वाला मौसम हो रखा है आज। कितने मतलब आजकल 2-3 दिन से हवा चली, तो शाम को 7 बजे के बाद थोड़ा सा मौसम ठीक लग रहा। अभी हम लोग 7:30-7:45 बजे ना अंदर चले जाएंगे, इतना ही होता है हमारा घूमना। तो अभी जो है ना, मैं आ गई हूँ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि घर में काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो रखी थी, यानी कि बच्चों के लिए मुझे ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके जाने थे। और यहाँ से मैंने डेट्स वगैरह ले लिए हैं और कुछ पोहा वगैरह थोड़ा बहुत। मैं गई थी यहीं पे पास में ऊँचा पुल पे, जहाँ से मैंने शॉपिंग कर ली थी। और मुझे थोड़ा बहुत बाकी सामान भी लेना था। मैंने सोचा था यहाँ से मेरा काम कम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन मेरा काम तो कम्प्लीट हुआ नहीं। और मेन था मेरा थ्रेडिंग बनाने का, और आज मैंने फाइनली 1-1.5 महीने बाद थ्रेडिंग भी बना ही ली है। और पहले मैं ना यहाँ से शॉपिंग करती हूँ जब मैं प्रेगनेंट थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी तब थी। और मैंने उनके लिए शूज़ देखे थे, लेकिन ये बहुत महंगे थे यार, 400 रुपये के शूज़ थे। तो बच्चे तो इतने जल्दी फाड़ देते हैं, वो ना वॉकर में घूमते उसके जूते जल्दी फट जा रहे थे। सोचती थी लूँ, लेकिन 400 के लायक मुझे लगे नहीं, क्योंकि अभी जब मैं पहनाती हूँ ना उसको विशाल से लेकर मैंने 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ के शूज़ जो है वो बेटर हैं, क्योंकि थोड़े भारी भी होते हैं, वो हल्के होते हैं। तो यहाँ से मैंने ले ही लिया था सामान ऑलमोस्ट, मतलब जो भी मेरा घर का था मेन, बच्चों का खाने पीने का, वो मैंने यहीं से ले लिया था। उसके बाद गई मैं ऊपर वाले सेक्शन में जहाँ पे मिलते हैं बर्तन वगैरह, बट मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। सोची थी लूँ करके, लेकिन कुछ डब्बे वगैरह, और वहाँ पे मुझे चाहिए थे कांच के जार जैसे अचार वगैरह रखने के लिए, तो यहाँ पे मुझे कुछ इतना खास मिला नहीं। और उसके बाद मैं चली गई नीचे, और मैं आ गई हूँ बाहर। इतनी ज़्यादा धूप है, मैंने सोचा जो मेरा स्केल वगैरह था वही मिल जाएगा, बट मिला नहीं। उसके बाद मैं चली गई सीधे मार्केट, और मैंने करी थी यहाँ पे शॉपिंग बाज़ार, जो ऊँचा पुल में यहाँ से शॉपिंग करी। सामने रहा रामलीला का ग्राउंड। तो जी चलिए, हम लोगों ने करी अपनी स्कूटी स्टार्ट और चल दी सीधे मार्केट की तरफ। और फिर मार्केट जाने के बाद मैंने सामान वामान ले लिया था, लेकिन फिर उसके बाद मुझे लगी थी हल्की सी भूख, और वैसे मैं घर से खा के आई थी। फिर मैंने यहाँ पे खाई, मुझे स्प्रिंग रोल बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी ज़्यादा क्रंची भी थे। और फिर मैंने लस्सी, तो मैंने यहाँ पे हाफ रोल खाए और लस्सी भी। मैंने स्प्रिंग रोल बहुत टाइम बाद खाए, क्योंकि मैं आजकल मार्केट जाती हूँ ना तो अकेले कुछ खा के नहीं आती हूँ, अकेले मुझे अजीब सा लगता है। लेकिन आज मेरा बहुत मन था स्प्रिंग रोल खाने का, तो मैंने यहाँ पे स्प्रिंग रोल भी खा लिए थे। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर, और इतनी गर्मी लग रही ना, बाय गॉड क्या बताऊँ। और थ्रेडिंग बनाई ना ये, फिर धूप में ना पेन करने लगे थे मुझे, इसलिए मैंने आज अपर लिप और फोरहेड नहीं बनाई, क्योंकि गर्मियों में ना थोड़े से भी धूप में जाओ तो फिर वो इरिटेशन करने लगता है आईब्रो ही, पता नहीं। आज मैंने 1 महीने से ज़्यादा दिन टाइम हो गया था तब जाके आईब्रो बना रखी है। और आज ना मैं लेके आई हूँ सोफे के कवर नए वाले, क्योंकि जो हमारे ये पुराने वाले हैं ना, ये सिर्फ कितने 8, 9, 10, 11, 12 सीटर वाले हैं, क्योंकि और मैं लेके आई हूँ 16 सीटर वाले, ताकि ये भी कवर हो जाए, क्योंकि धूल अगर रहती है ना डेली, इनका क्लीनिंग नहीं हो पाता, तो इसलिए कवर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं अपनी सैलरी में से लेके आई हूँ यूनो दैट, मैंने कहा चलो अपनी सैलरी से कुछ तो रखा जाए, है ना। तो मेरी हॉस्पिटल की जो जॉब की पहली सैलरी आ गई है उसका मैं लेके आई हूँ अपने लिए घर के लिए सोफे कवर। अभी हमारे घर पर बहुत सारा काम होना है, मैं एक बार आप लोग को दिखाऊंगी थोड़ी देर में कैसे हैं करके, और सासू माँ को भी दिखाती हूँ, उनको पसंद आते हैं आपने। और सासू माँ के लिए एक पैजामा लाई थी मैं, क्योंकि मम्मी लव रही है ना, अक्सर मम्मी को पैजामे छोटे हो जाते हैं, अब पता नहीं ये कैसा होता है। वैसे मैं मल्टी कलर में लाई हूँ, ऑलमोस्ट काफ़ी
कुर्तों के साथ आ सकता है ये। बाकी मैं अपने लिए कुछ लाई, बी के लिए बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान खरीद लाएगी। अपने लिए मैं इसलिए नहीं लाई क्योंकि आपकी गर्मी है, मैं कहीं बाहर जाती नहीं हूँ। मैं गई थी स्केल लेने के लिए, मुझे कुशन बनाने हैं और बस अभी खाना बन रहा है। एक बार मैं इनको दिखा देती हूँ ये कैसे हैं करके, तो अगर पसंद आए नहीं तो फिर मैं एक्सचेंज करूँगी इनको, और सासू माँ जी को पसंद आते नहीं आते देखते। तो खाना वगैरह खाने के बाद ना मैं तो सो गई थी क्योंकि आजकल धूप में बाहर जाते इतना ज़्यादा हेडेक होने लग जाता है और दिन में सोने की आदत भी हो चुकी है। लेकिन मैं जब भी सो के उठती हूँ ना मुझे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। मैंने खाई आइसक्रीम और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, ये मुझे लग रहा है बादाम पिस्ता वाली जो आइसक्रीम है वो है, और ये पूरा फैमिली पैक था हमारे उसमें। इस गर्मी ने ना सब कुछ छीन लिया मुझसे, इतना गर्म हो रहा भाई साहब मैं क्या बोलूँ। काम करने लगी मैं कुशन का, सुई नहीं थी मेरे पास। तो अभी बज गए शाम के 6:30 का टाइम हो गया, थोड़ी बहुत हवा चल रही तो मम्मी लोग बाहर गए, मैं भी बाहर को जाती हूँ। और आज मेरी परसों सैलरी आ गई थी, यानी कि मैंने तो अभी जॉब ज्वाइन की थी उसकी सैलरी आई थी। तो मैं ना आज मुझे अच्छा लगता है मतलब कोई चीज़ अगर करो तो अपने घर के लिए, तो मैं आज ले आई हूँ अपने घर के लिए कुशन कवर, सॉरी सोफ़ा कवर, और मुझे सही भी पड़ गए थे वो। और हमारे घर पे वैसे 2 पेयर हैं बट वो 12-12 सीट वाले हैं, मतलब जो वो वाले हैं ना उनके हाथ वालों जो हाथ रखने वाला उसके लिए नहीं था। तो सोचा कि लेके चलती हूँ क्योंकि गंदे जाते ना, इतना टाइम रहता नहीं है इनकी डस्टिंग वगैरह करने का, यहाँ पर धूल बहुत ज़्यादा रहती है। और मम्मी को भी पसंद आ गए थे, अब बहुत जल्दी हम लोग उनको बिछाएंगे क्योंकि अभी हमारा काफ़ी काम होना बाकी है। तो बुधवार से ना हमारे घर का काम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो रैक वगैरह हैं अभी कवर नहीं कर रखे हैं, तो अभी ना ये कवर होने और यहाँ पे अलमारी बननी है। जिस अभी ना मोबाइल का फ्लैश जल रखा, फ्लैश लाइट जल रखी थी तो जिसकी वजह से आँखों में एकदम से लाइट जल रही थी, अभी ऐसा लग रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और वैसे भी टाइम थोड़ा बहुत हो ही गया है। और ये टी शर्ट क्यों ही ली होगी मैंने, बहुत ही बेकार आई है, 200 रुपये की ली थी मैंने अल्तानी मार्केट से, सबसे सबसे बकवास टी शर्ट आ रखी है। काम चलाओ ठीक है, लेकिन तो जी चलते हैं अभी बाहर की तरफ। ये देखो हमारे घर के सदस्य, दादी हार गई। तुम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हो, हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। टाइम पास हो रहा है हम भी। हे राजा ये क्यों बैठे हैं यहाँ पे, टाइम पास। नमसु सो गई क्या, नॉनसी क्या हुआ? हाँ दादी ने बोला आगे हो, तू तो लेट ही गई। जहाँ को बोल रहे हैं वहाँ को जा रही है, वहाँ जाने हो। बोल रहा था बहन से अपनी, प्यास लगी बोल, कमजोर हो रही। तो गाइस देखो अभी मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, बस अब अंधेरा हो जाएगा। जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं वैसी रात हो जाती है। अब निकल रहे तो क्या करें बेचारे हम लोग, हम क्या सभी लोग। अभी मैं जा रही हूँ मंजू दी के घर खाना खाने, इट्स अ जोक, खाना खाने नहीं जा रही हूँ, किसी काम से जा रही हूँ। हाँ मैं यहाँ आ रखी हूँ और यहाँ गेट वेट सब बंद कर रखे हैं इन्होंने, अब वेट करती हूँ, वेट आ रही हैं खोलने के लिए। तो दी तो गई है कपड़े टांगने के लिए, मैं बैठ जाती हूँ तब तक, और अंधेरा होने लगे जिसकी मैं कह रही थी। तो ये रहा मंजू जी का हॉल, यहाँ पे रहा कूलर देवता, ये रही मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आज की मेरी जो सुबह की ड्रिंक है वो है चिया सी। चीटी वाली पी रही है। चीटी वाली, मैं चीटी वाला पी रही हूँ। अब ना पड़ेगी चीटी पेड़ पे, उसमें तरबूज बन जाएगा। किसने पी रही है दूध, चौकोस खा ले। झाड़ू लगा दिया मैंने, तो मैं कपड़े निकालती फटाफट से मशीन में घुमा लिए हैं, फिर नहाती हूँ। और आज मुझे एक नया काम स्टार्ट करना है, मतलब नया काम क्या, और खुशी। तो जी चलिए, कल का ब्लॉग तो मैंने आपको साथ शेयर कर ही लिया था, टाइम नहीं मिल पाता ना कि मैं प्रॉपर एक ब्लॉग बनाऊँ। और पता नहीं मैं अभी भी इतने टाइम से वीडियोस बना रही हूँ, अभी भी मैं इतनी ज़्यादा ओपन नहीं हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगला बंदा कहीं किसी की वीडियो बनाऊँगी तो थोड़ा सा
यू नो हो जाएगा, थोड़ा सा शर्मा जाएगा या फिर किसी के भी सामने एकदम से कैमरा नहीं निकाल उठा सकते हैं कि हाँ भाई कोई आया और एकदम सामने कैमरा लगा दिया। चम्मच नहीं देना, ना ना ले इधर आओ। वैसे मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, बट अपना पेट का फैट कम करने के लिए थोड़ा बहुत ये सब तो करना ही पड़ता है। वेरी गुड। और ये देखो आंटी ने लिखी है 1 2 हाँ 99 यहाँ लिखा है तो 100 उसके स्पेस नहीं हुआ तो 100 इधर लिख दिया। 100 बच्चे मन के सच्चे सब बोल देते हैं।